हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेफ स्मृति हरी है और ये मेरी बुक है दी हेवनली अबोर्ड दी कलरी ट्रेल्स इनटू दी फूड ऑफ उत्तराखंड। ये बुक मैंने उत्तराखंड के खाने को प्रमोट करने के लिए लिखी है। इसमें 54 रेसिपीज हैं और अब हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड खाने के ऊपर, जिसमें हम रोज कुछ ना कुछ अच्छी उत्तराखंड की हेल्दी और ऑथेंटिक रेसिपीज पोस्ट करेंगे और कुछ फ्यूजन रेसिपीज भी कि आप उत्तराखंड के इंग्रेडिएंट्स को यूज करके क्या फ्यूजन बना सकते हैं। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उत्तराखंड का खाना देखिए, बनाइए, सीखिए और हेल्दी खाना खाइए। थैंक यू। हेलो बॉयज, आज जो हमारी रेसिपी है जो हम कुक करने जा रहे हैं उसका नाम है गुलगुले। गुलगुले उत्तराखंड की रेसिपी है। जो पहाड़ पे कोई भी सेलिब्रेशन होती है या कोई भी वहाँ का ऑस्पिशियस काम होता है उसमें हम गुलगुले बनाते हैं। आप लोग ने जैसे डोनट सुना है, डोनट्स क्या होते हैं? फॉरेन की रेसिपी है। हमारी इंडियन डोनट्स कौन से हैं? गुलगुले। तो गुलगुले एक टाइप के इंडियन डोनट्स हैं। हाँ, तो हम वो बनाएंगे आज आटे से। सबसे पहले हम देखते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए गेहूं का आटा, गुड़ जिसको हमने बारीक काट लिया है, ठीक है, सौंफ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। बहुत ही ईजी इंग्रीडियंट्स और बहुत ही ईजी रेसिपी। सबसे पहले हम इसमें 250 ग्राम्स आटा डालेंगे। जो हमारा पानी है हमने इसके अंदर 100 ग्राम्स ऑफ गुड़ डालकर गरम पानी गुड़ के अंदर डाल देंगे। बॉइल्ड वाटर है तो हम इस गुड़ को पूरा मेल्ट करेंगे। हम गुड़ को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और जो हमारा आटा है इसके अंदर हम डालेंगे सौंफ। गुलगुले जो है इनको हम पहाड़ में नॉर्मली एक बार डीप फ्राई करके 5-6 दिन तक रख भी सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। हम इसमें सौंफ डालेंगे और हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हमारा जो गुड़ है वो इस पे पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज लम्स नहीं होने चाहिए। हम एक छन्नी लेके और जो हमारा लिक्विड है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हमने इसमें गुड़ का पानी ऐड कर दिया है और गुड़ का पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे और हम इसको हाफ एन आवर के लिए हम इसको रखेंगे। रखने का रीज़न क्या होता है कि जो आटा होता है वो फूल जाता है और फूलने के बाद तब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जो गुलगुले होते हैं ये सिर्फ पहाड़ में नहीं, ये यूपी में, बिहार में, सब जगह बनते हैं, पर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। जैसे हमने गुलगुले बनाए गुड़ से और आटे से, हम यूपी की साइड जाएंगे तो वो उसमें थोड़ा सूजी भी ऐड करते हैं क्रिस्प करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा कोई लोग, जैसे हमने गुड़ से यूज़ किया है, किसी किसी प्रांत में ये शुगर या बूरे से बनते हैं जो भूरा चीनी होती है, तो थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ ये गुलगुले ऐड करते हैं। अब हमने इसको बीट करके हम इसको साइड में रखेंगे हाफ एन आवर के लिए, ये रेस्ट होगा और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जब हम गुलगुले बनाए हमने ये हाफ एन आवर को इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। जब ये हाफ एन आवर पे रेस्ट हो जाएगा तो हम देखेंगे कि आटा जो है वो फूल गया है और इसमें ग्लूटेन प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें ये लेसला सा पन आ गया है। अब हम इसके बाद इसको गुलगुले की शेप के लिए ऐसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। ये जो हमारे गुलगुले हैं ये ऊपर से ब्राउन होने लगे हैं और फूलने लगे हैं, आप देख सकते हैं। इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है क्योंकि ये अंदर से वरना कच्चे रह जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि इसको सिम गैस पे तेल गरम करने के बाद पकाएं। 4-5 मिनट इसको हम कुक करेंगे।